सब्सक्राइब कीजिए मैथ सर्कल को और हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथ सर्कल। हम यहाँ पर NVS TGT की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें हम लोग यहाँ पर जनरल हिंदी के बारे में पढ़ रहे हैं, या आप कहें कि रीजनल लैंग्वेज में अगर आपने हिंदी चूज की है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। यहाँ पर हम टॉप 60 विलोम शब्द के बारे में पढ़ेंगे, जो कि अलग अलग एग्जाम्स में आए हुए हैं, ठीक है। और मेनली सेंट्रल के एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, जिसका ये पहला वीडियो है जिसमें हम 30 विलोम शब्द करेंगे, यानी एंटोनेम्स, अपोजिट वर्ड्स। और अगले सेकेंड वाले पार्ट में हम अगले 30 वीडियो 30 क्या करेंगे, विलोम शब्द। यानी दो वीडियो में हम ये जो टॉप वाले विलोम शब्द होंगे 60, वो कंप्लीट कर लेंगे। तो ठीक है, चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर, कह रहा है कि आलोक का विलोम शब्द है। तो आलोक का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन है अद्भुत, अज्ञात, अंधकार, रात्रि। तो देखिए, आलोक मतलब होता है कि जिससे बहुत ज़्यादा उजाला होता हो, उस चीज़ को आलोक कहेंगे। और विलोम शब्द यानी उसका उल्टा होगा, अंधकार। यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन है, ज्येष्ठ का विलोम शब्द है। ऑप्शन है आपके पास कनिष्क, पूर्व, भूत, अगज। तो क्या होगा? ये अगज नहीं, अग्रज होगा आई थिंक। तो इसमें जो ऑप्शन सही है, ज्येष्ठ मतलब बड़े भाई को ज्येष्ठ कहते हैं, और इसका अपोजिट होगा कनिष्क, यानी छोटा भाई, छोटे भाई को कनिष्क कहेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, ये कह रहा है स्थावर का विलोम शब्द है। तो ऑप्शन है सचल, चंचल, चेतन और जंगम। देखिए, रेलवे में भी आया हुआ है, आपको दिख रहा होगा साइड में, रेलवे 1997 में आया हुआ है। तो ये क्वेश्चन पे स्थावर का जो विलोम शब्द है वो क्या है आपका? वो है जंगम। ये रहा जंगम। अब देखिए, स्थावर किसे कहते हैं? जो एक जगह पर ही स्थित रहे, यानी एक जगह पर रुका हुआ हो। और जंगम क्या है? एक ऐसी चीज जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो स्थावर का विलोम हो गया जंगम। अच्छा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन क्यों चलेंगे, गमन का विलोम बताइए। गमन मतलब जाना होता है, ठीक है। और इसका अपोजिट क्या होगा? विलोम, जाना तो हो नहीं सकता, उतरना, आगमन या चढ़ना। तो इसका क्या होगा सही ऑप्शन? इसका ऑप्शन आगमन होगा। आगमन मतलब आना और गमन मतलब जाना, ठीक है। तो ये इसका सही। अगले क्वेश्चन क्यों चलेंगे, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5, ये भी एग्जाम आए हुए हैं। देखिए, मौन का विलोम शब्द है। तो मौन का विलोम शब्द, मौन मतलब जो चुप रहता हो, उसका विलोम शब्द क्या होगा? मुखर, मौखिक, मयंक या विकार। तो क्या सही होगा इसका ऑप्शन? ऑप्शन इसका होगा मुखर। तो मुखर मतलब जो मुख से बोलता रहता हो, यानी ठीक है, बहुत ज्यादा बोलता रहता है, उसे कहते हैं। तो मौन का उल्टा ही हुआ हो। अगला क्वेश्चन है, रंगीन छपे शब्द के लिए उपयुक्त तो विलोम शब्द का चयन कीजिए। तो ये रंगीन तरीके से ऑप्शन, देखिए पूरा सेंटेंस लिखा है, हाँ वह अपने विषय का पूर्ण अभिज्ञ है, ठीक है। तो वो अपने विषय का पूर्ण अभिज्ञ है, कह रहा है। तो इसका क्या होगा? अभिज्ञ का विलोम शब्द। अभिज्ञ मतलब सब कुछ जानता है अपने सब्जेक्ट के बारे में, अच्छी तरह से जानता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द सर्वज्ञ, बी है अल्पज्ञ, अनभिज्ञ या विज्ञ। तो क्या होगा इसका? इसका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, अनभिज्ञ। अनभिज्ञ मतलब जो कुछ ना जानता हो, ठीक है, अनजान है वो, अनभिज्ञ। अगला क्वेश्चन देखिए, रंगीन शब्द से छपे हुए का चयन कीजिए, क्या उसका विलोम शब्द। और हमारा सेंटेंस दिया है, संपन्न व्यक्ति डॉट डॉट की व्यथा नहीं जान सकता। तो यहाँ पे हमें संपन्न व्यक्ति के बारे में, संपन्न का क्या बताना है? विलोम बताना है, ठीक है। नहीं, एक सेकेंड, रंगीन छपे शब्द के लिए उपयुक्त विलोम शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, ठीक है, इसका ही विलोम बताना है संपन्न का। तो आसन, विपन्न, निष्पन्न या विसर्ण। तो ये सब पढ़ने में नहीं आ रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? इसका ऑप्शन नंबर है विपन्न सही है। तो संपन्न इसके बाद सब चीज हो, विपन्न जिसके पास कोई भी चीज ना हो, ठीक है, कोई भी मतलब चीजों की, वस्तुओं का क्या हो, अभाव हो उसके पास। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, एट्थ क्वेश्चन। एट्थ है हमारा विस्तार का विलोम शब्द बताइए। विस्तार मतलब फैलाना, ठीक है, और इसका जो बहुत जगह तक फैला हुआ हो। अगला इसके ऑप्शन है लघु, छोटा, सूक्ष्म या संक्षेप। तो विस्तार मतलब विस्तार पूर्वक कोई भी चीज का आंसर देना है, बहुत लंबे जैसे समझा के देना है। और शॉर्ट में अगर आंसर दे रहे हो तो संक्षेप कहते हैं। तो यानी विस्तार का विलोम शब्द क्या होगा? संक्षेप होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, गरिमा का विलोम शब्द है। तो गरिमा का विलोम शब्द क्या होगा? अंधकार, लघिमा, घृणा या नीचता। तो देखिए, गरिमा का जो विलोम शब्द होता है वो लघिमा होता है, इंपोर्टेंट है, आपको याद रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, मौखिक का विलोम बताइए। ये तो आपका आता होगा, लिखित, सिंपल सी चीज है, देखना ही नहीं है इसमें तो ऑप्शन। अनाथ का विलोम शब्द बताइए। अनाथ मतलब जिसके पास क्या ना हो, जिसके माता पिता ना हो। तो इसका जो विलोम होगा, उसमें ऑप्शन दिए हैं धनी, सनाथ, निर्धन या बेकार। तो आपको देखते दिख रहा है अनाथ का सनाथ, ठीक है, सनाथ मतलब जिसके पास परिवार हो।
तो ये तो आपने देखा नहीं होगा लेकिन इम्पोर्टेंट है और अच्छा भी है, क्वेश्चन देख लीजिए। अगला अल्पज्ञ का विलोम बताइए। अल्पज्ञ मतलब जिसके पास, जो किसको कम ज्ञान हो। अभी ऊपर आया था अल्पज्ञ, ठीक है, क्या आया था आंसर था किसी का, तो ऑप्शन है अवज्ञ, सर्वज्ञ, अभिज्ञ या कृतज्ञ। तो क्या होगा इसका विलोम? इसका विलोम होगा सर्वज्ञ। अल्पज्ञ मतलब जो कम जानता हो, सर्वज्ञ मतलब जो सब जानता हो। ऊपर अभिज्ञ आया था, ठीक है, ये नहीं था, तो सर्वज्ञ हो गया। तो एक देखिए, एक जैसे कई सारे आप एक जगह साथ सीख ले रहे हैं। अगला सकारात्मक का विलोम बताइए। नकारात्मक, आसात्मक, संभावात्मक, निरासात्मक। तो ये तो ईजी है, सकारात्मक का क्या होगा विलोम? नकारात्मक, ठीक है। अगले की ओर चलेंगे, 14th, तो सम्मुख का विलोम शब्द बताइए। सम्मुख जो सामने हो, उन्मुख, विमुख, प्रमुख या अधिमुख। तो इसका क्या होगा? इसका होगा विमुख। सम्मुख मतलब जो मुंह के सामने हो, विमुख मतलब जो सामने के पीछे, मतलब मुंह के सामने ना हो कि पीछे हो या सामने ना हो जो, ठीक है। तो अगले पे चलते हैं, 15th की ओर। यह है अथ का विलोम शब्द है। अथ का विलोम शब्द क्या होगा? नंबर 1, अंत, इति, अर्थ या अध। तो अथ का विलोम शब्द जो है वो इति है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अगला है उर्वर का विलोम शब्द बताइए। उत्कृष्ट, उत्तम, उत्तमर्ण या उसर या अतिवृष्टि। तो उर्वर का क्या है विलोम शब्द? उसर है। तो ये आपको कुछ चीजें याद रखते रहना, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, 17th, थोक का विलोम शब्द बताइए। थोक मतलब बहुत सारी चीजें एक साथ ले रहे हैं और सिंगल सिंगल लेते हैं, तो उसको क्या कहेंगे? परचून, थान, थाक, थोया, पर्यायिक। तो क्या होगा इसका? परचून होगा। परचून मतलब सिंगल सिंगल लेके जा रहे हैं आप, लेके आ रहे हैं, ठीक है। थोक मतलब एक ही चीज को बहुत सारा लेके आ रहे हैं आप। अगला है भूषण। भूषण का विलोम शब्द क्या होगा? विष्णु, भूषक, दूषण या भूसा। तो क्या होगा इसका? आपको देखते ही लग रहा होगा भूषण का दूषण, ठीक है, सिंपल सा है। अगला अवनी। अवनी का विलोम शब्द क्या होगा? तो अवनी का विलोम शब्द आसमान, आकाश, अंबर या गगन। तो अवनी धरती को कहते हैं आई थिंक, तो इसका जो वो है वो अंबर है, ठीक है। नहीं, धरती को भी नहीं, अवनी शायद, आई थिंक, पता नहीं, आप बताना कमेंट करके कि किसको कहते हैं। इसका विलोम शब्द होगा अंबर, ठीक है। अगले में चलेंगे, हे या हे का विलोम शब्द क्या है? तो ये हास्य, हार, ग्राम्य या ग्राह्य। तो हे का जो विलोम शब्द होता है वो ग्राह्य होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, मृदुल का विलोम शब्द क्या है? मृदुल का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन है कठिन, खराब, रुक्ष या कठोर। तो क्या होगा इसका विलोम शब्द? होगा रुक्ष, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, 22 क्वेश्चन नंबर। ऋणात्मक का विलोम शब्द बताइए। ऋणात्मक का तो आपको पता ही है, धनात्मक होगा, ठीक है। अगला कलुष का विलोम शब्द बताइए। पाप शून्य, निष्पाप, निष्कलुष या निष्करुण। तो क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कलुष का निष्कलुष हो जाएगा, नी लगा देते हैं तो उसका उल्टा हो जाता है, ठीक है। अगला चिरंजन, चित्रन, ची हाँ चित्रंजन का विलोम शब्द बताइए। अलौकिक, लौकिक, नश्वर या नैसर्गिक। तो इसका क्या होगा? नश्वर, ठीक है। कोई भी चीज क्या नहीं है? नश्वर नहीं है, यानी हमेशा रहने वाली नहीं है। तो और ये चिरंजन मतलब होगा हमेशा रहने वाली, ठीक है। आगे चलते हैं, सन्यासी का विलोम शब्द बताइए। राजा, भोगी, गृहस्थ या ब्रह्मचारी। तो क्या होगा? ये भी सिंपल आपको पता है, सन्यासी मतलब जो घर गृहस्थी इसकी नहीं होती, और गृहस्थ मतलब जिसकी घर गृहस्थी होती है, ठीक है। अगला स्वकीया। स्वकीया का विलोम शब्द क्या होगा? स्वीकृत, अस्वीकृत, नारकीय या परकीया। तो जो स्वकीया है इसका होगा परकीया। आपको देखते ही कई सारी चीजें बन रही होंगी, किया किया आ रहा है, ठीक है। स्व मतलब हाँ अपनाना होता है, पर मतलब दूर करना होता है, तो उल्टे ही हैं एक दूसरे के। एकाधिकार का विलोम शब्द बताइए। अनेकाधिकार, सर्वाधिकार, पराधिकार, परमाधिकार। तो क्या होगा? एकाधिकार मतलब क्या? एक ही अधिकार हो। और देखिए, सर्वाधिकार मतलब क्या? सारे अधिकार हो। तो दोनों विलोम होगी एक दूसरे के। अगला 28th, श्री गणेश का विलोम शब्द। श्री गणेश का विलोम शब्द क्या होगा? श्री राधा, विनाश, इतिश्री या इनमें से कोई नहीं। श्री गणेश का होता है विलोम शब्द इतिश्री। श्री गणेश मतलब जब किसी चीज की शुरुआत की जाती है, इतिश्री मतलब बस इतना काफी है, ठीक है, रुक जाते हैं। अगला आकर्षण का विलोम शब्द बताइए। आकृष्ट, विकर्षण, अनाकर्षण या पराकर्षण। तो आकर्षण का क्या होगा विलोम शब्द? विकर्षण। कोई चीज अगर बहुत ज्यादा आकर्षित कर रही है तो आकर्षण, और अगर नहीं कर रही है तो विकर्षण। 30 क्वेश्चन है, अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक का विलोम शब्द क्या होगा? अतिसंख्यक, बहुसंख्यक, महासंख्यक, बाहुल्य। तो क्या होगा इसका? बहुसंख्यक, ठीक है। अल्पसंख्यक जो कम मात्रा में हो, बहुसंख्यक जो अधिक मात्रा में हो। अगला देखिए, जो क्वेश्चन आज का आपके लिए है, जिसको आपने कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, और इसका आंसर आपको अगली वीडियो में दिया जाएगा, ठीक है। तो वह है, उपमान का विलोम शब्द क्या होगा? अनन्य, व्यतिरेक, अतुल या उपमेय। तो यह आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, कमेंट करके बताइए इसको। और ये भी बताइए कि वीडियो कैसा लगा, और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना,
और कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलना, आंसर आपको देना है। अगले वीडियो में आपको इसके आंसर मिलेगा और साथ ही साथ आपको बाकी के बचे हुए 60 तक के वो भी आंसर मिल जाएंगे, और PDF आपको अगले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, इस वीडियो में नहीं मिलेगा। अब मैं पूरा का पूरा PDF 60 के 60 जो विलोम शब्द हैं सबका एक साथ डालूंगा, ठीक है? तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।